नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube नेशनल लाइव सिटीज़ में। IIT JEE एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और गुवाहाटी जोन में बिहार की टॉपर हैं फीमेल में आकृति जी। इस वक्त आकृति जी हमारे साथ हैं। आकृति जी, लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है। हेलो, क्या कुछ लग रहा है, अब आप लड़कियों में टॉप कर चुकी हैं JEE एडवांस में, क्या कुछ कैसा लग रहा है? काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही है। प्रिपरेशन की थी तो रिज़ल्ट अच्छा आया, तो लग रहा है कि चलो मेहनत का मिला हमको सक्सेस। तो IIT करना है तो डिसाइड कर लिया था काफ़ी पहले से ही। 11th से काफ़ी फोकस्ड पढ़ाई की है, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड था रिज़ल्ट, अच्छा आया तो खुशी हुई। ये जो आपने जो अभी रिज़ल्ट जो आपने हासिल किया है, शुरू से बताइएगा, आपने मतलब शुरू से क्या था जब आप बच्ची थी, और क्या आपको शुरू से आपने सोचा था कि हाँ इंजीनियरिंग में ही ऐसा कुछ करना है, मतलब शुरू से स्टोरी बताइएगा। मैथ्स में इंटरेस्ट रहा था काफ़ी पहले से, बिकॉज़ रटना कम होता है, रीजनिंग ज़्यादा होता है। फिर मैथ्स से इंटरेस्ट में लगा कि साइंस में भी इंटरेस्ट आ रहा है तो इंजीनियरिंग लाइन ही बेटर रहेगा। 9th स्टैंडर्ड में अराउंड डिसाइड कर लिया था, अच्छे से फोकस प्रिपरेशन 11th से शुरू किया, और JEE IIT में ही जाना टारगेट था। तो IIT बॉम्बे या कानपुर जाने में, अब जाके वहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेंगे आके, उसमें करियर बनाना है। हाँ, तो कैसा लग रहा है कि आपने गुवाहाटी जोन में आपने पूरा टॉप किया है लड़कियों में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिकॉज गर्ल्स में टॉप करना काफ़ी अच्छी बात है। और कंपटीशन तो बहुत टफ है, मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, तो फिर रिजल्ट आता है उसके बाद तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है, इतना मेहनत किया। मम्मी डैडी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, दादाजी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। करियर का डिसीजन तो पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया था, कौन सा लाइन चूज़ करना है, पूरा फ्रीडम दिया था। इंजीनियरिंग मेरा खुद का चॉइस था। पापा तो हमेशा सारे रिसोर्सेज से सपोर्ट किए, जो बुक्स चाहिए थे, ऑनलाइन मटेरियल चाहिए होता था। मम्मी टाइम टेबल के साथ पूरा कोऑपरेट करती थी, जितने बजे पढ़ना है पढ़ो, जितने बजे सोना है सो, एंड सब चीज़ टाइम से कर देती थी। मेरा घर में तो काफ़ी कोऑपरेट किया है मम्मी ने, कोचिंग जाना होता था स्कूल से आने के बाद, लगा बहुत कम टाइम मिलता था बीच में, तो मम्मी बहुत कोऑपरेट करती थी घर में। पापा भी बहुत कोऑपरेट किए हैं, और दादाजी तो हमेशा रहते ही हैं, मॉरल सपोर्ट में अच्छा होगा आपका, मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी मिला है। भाई बहनों के बारे में क्या कुछ कहेंगे, आप सिंगल हैं या फिर भाई बहन भी और हैं? नहीं, एक बड़ा भाई है, वो भी इंजीनियरिंग लाइन में, उसने भी काफ़ी गाइड किया है, वो अभी IIT गुवाहाटी में फाइनल ईयर में, उसका तो काफ़ी गाइडेंस रहा है कौन से बुक्स से पढ़ना है, तो मेन कोर्स का पढ़ाई का गाइडेंस तो उसी का रहा है सबसे ज़्यादा, और उसी से इंस्पायर भी हुए हैं थोड़ा, वो भी रिसर्च लाइन में गया है तो मुझे भी रिसर्च लाइन ही में इंटरेस्ट है। अच्छा, ये बताइएगा जो तैयारी जो करती थी, क्या कुछ आपका रूटीन वर्क रहता था, और कैसे मतलब पूरा पूरा दिन की तैयारी कैसे रहती थी? स्कूल डेज में तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था, स्कूल जाना रहता था, फिर तुरंत आते थे, मुश्किल से 45 मिनट्स का टाइम मिलता था, तो खाना खा के जल्दी से फिर कोचिंग जाना रहता था, फिर कोचिंग क्लासेस करके वापस आते थे। तो स्कूल डेज में तो सेल्फ स्टडी का टाइम अराउंड 2 to 3 आवर्स ही मिलता था, जब स्कूल नहीं होता था तब काफ़ी सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता था, तो 7 to 8 आवर्स फोकस सेल्फ स्टडी करते थे, सारा फ़ोन ऑफ करके, सब चीज़ से कट ऑफ होके अच्छे से फोकस स्टडी करते थे। एंड वही कोचिंग का काफ़ी हेल्प मिला, फिट जी ने हेल्प किया, टीचर्स से डाउट पूछ लेते थे कुछ होता था तो, भैया भी काफ़ी हेल्प करता था। वही टाइम टेबल रहा है पूरे 2 साल, एंड टुवर्ड्स द एंड जब मेंस हो गया तब तो 1.5 महीना ना कोचिंग था ना स्कूल था, तो काफ़ी अर्ली उठ जाते थे, बिकॉज एग्ज़ाम के लिए बॉडी क्लॉक टाइम करना था, तो अर्ली उठ जाते थे। एंड एग्ज़ाम का जो पीरियड होता था लाइक 3 आवर्स 9 to 12 होता है, एंड 2 to 5 जो JEE का एग्ज़ाम का टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे बॉडी क्लॉक को टाइम करने के लिए। एंड फिर बाकी टाइम भी घर पे ऑनलाइन पेपर्स प्रैक्टिस करना होता था, ऑनलाइन टेस्ट हो गया तो ऑनलाइन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही करके प्रिपरेशन चला। चलिए, तो ये तो आकृति का रूटीन हुआ, इसके अलावा बात कर रहे हैं तो क्या कुछ करना पसंद है, क्या कुछ हॉबीज़ हैं, और घर में कैसे चिल आउट करती हैं, मतलब कि क्या शैतानी वगैरह का क्या क्या सीन है? चिल आउट तो यूजुअली TV देखते हैं या फ़ोन पे YouTube पे कुछ ऐसे ही इंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे बिकॉज काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था पढ़ाई के टाइम, YouTube ही मेन इंटरटेनमेंट का सोर्स था, एंड TV। और बहुत फ्री हुए तो फ्रेंड्स के कभी घर चले गए बर्थडेज वगैरह पे,
फ्रेंड्स थे स्कूल में दूसरे स्ट्रीम्स में, तो वो लोग भी कभी कभी मिलने आ जाते थे, तो वो सब से टाइम पास हो जाता था। घर में कितनी कुछ शैतानी वगैरह कुछ, क्योंकि छोटी है? हाँ छोटे हैं, शैतानी अभी तो करने का ऐसा कुछ टाइम नहीं रहता था, बट फ़ोन पे मुझे कॉल करके फ्रेंड से बात करने की काफ़ी आदत है। रात में मुझे अपने फ्रेंड्स को कॉल करके काफ़ी लंबा बात हो जाता था, तो उसमें पापा मम्मी आके हमेशा डांटते थे, इतनी लंबी बात मत करो, पढ़ने जाओ वापस। तो उन गॉसिप्स में क्या मतलब डिस्कशंस भी होते थे पढ़ाई को लेकर, या फिर सिर्फ गॉसिप्स होती थी? शुरुआत होता था पढ़ाई का बात से ही, बट फिर ज़्यादा देर पढ़ाई की बात होती नहीं थी, इधर उधर की बात होने लगती थी। अच्छा, अब बात कर लीजिए आकृति को, खाने पीने की क्या चीज़ें पसंद, मतलब क्या पसंद की बात करते हैं कि क्या कुछ पसंद है? खाने में तो नॉनवेज में मुझे सब कुछ पसंद है, स्पेशली मुगलाई आइटम्स, बिरयानी कबाब बहुत पसंद है मुझे। बिरयानी पसंद है आपको? अच्छा ये बताइएगा, खाने पीने का तो आपने बताया कि ये पसंद है, बनाना भी आता है खाना? बनाना अभी सीखना शुरू किया है, अभी टाइम मिला है, तो उस टाइम तो बिल्कुल समय ही नहीं रहता था, अभी सीखना शुरू किया है, हॉस्टल में काम आएगा, हॉस्टल में आगे चल के काम आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि ये तो हुआ, अब आप रिजल्ट भी आ चुका है और आपने टॉप भी किया है, तो ये बताइए आप आपको क्या करना है, इसको कैसे करना है सेलिब्रेट, और फैमिली के साथ करना है, क्या कुछ करना है आप आगे की, क्या कुछ? फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, फैमिली डिनर पे जाएंगे अभी, एंड सारे रिलेटिव से बात करेंगे, अभी तो कॉलेज डिसाइड हो जाए तो कॉलेज एम है बॉम्बे या कानपुर मिलना, बॉम्बे या कानपुर मिल जाए तब मेन सेलिब्रेशन होगा, कॉलेज मिल गया जो चाहिए था। वेल विशर्स क्या कुछ कह रहे हैं? सबको ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, मेंस के रिजल्ट से एक्सपेक्ट तो सबको ही कर ही लिया था, तो सबको ही खुश है कि जो एक्सपेक्टेड था आ गया वैसा। अच्छा ये बताइएगा, एक छोटी सी आकृति है जिसने कि अभी बिहार टॉपर बनी है फीमेल में, ये बताइए छोटी सी आकृति जो है, चूंकि आज के समय में है कि लड़कियों को लेकर कई सारी बातें होती हैं और सरकार की तरफ से काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अपनी जैसी बहनों को अपनी जैसी लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, मतलब चूंकि आपने एक मुकाम हासिल किया है तो कुछ उन्हें कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? फील्ड चूज़ करने में अपना पूरा डिसीजन लेना चाहिए, खुद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत लोग बोलेंगे कि लड़कियों के लिए ये फील्ड ज़्यादा इजी होता है, वो सब पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, कुछ फील्ड अब जिसमें मेहनत करोगे उसमें अच्छा हो जाएगा, तो अपना फील्ड दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होने के लिए, पूरा खुद का डिसीजन रखने के लिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसी में जाना है। बहुत लोग बोलेंगे लड़कियों के लिए मेडिकल इजी होता है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए मेहनत करेंगे तो कहीं भी अच्छा होगा। और खुद पे विश्वास भी कोई चीज़ होती है? हाँ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे मैंने कोचिंग में भी देखा है कि यूजुअली गर्ल्स में कम रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक बॉयज़ का आंसर गलत भी हो तो भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, गर्ल्स में मैंने ये चीज़ कम देखा है थोड़ा, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज अगर कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तभी हम लोग दिख पाएंगे, तभी हम लोग की वॉइस ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो ये तो आपने लड़कियों के बारे में कहा, लड़कों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनको हिदायत? हिदायत ऐसी कुछ नहीं है, बस बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत लोग को लगता है कि इंजीनियरिंग लाइन में कम लड़की है, मतलब कि लड़की आई है तो उसका उतना अच्छा रैंक नहीं होगा, उतनी तेज कहाँ से होगी। जैसे मैं जिस बैच में थी उस बैच में एक भी लड़की नहीं थी मेरे अलावा, तो काफ़ी लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे कि ये तो लड़की है इसका उतना अच्छा नहीं आएगा, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेहनत करेगा उसका अच्छा होगा, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं करने के लिए। आपने बताया कि आप अकेली भी थी उस क्लास में, अपने बैच में अकेली थी, तो लगता था थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता था? शुरुआत में थोड़ा लगा था, बट फिर मुझे ही लोग से बात करना शुरू करना पड़ा, थोड़ा सा रहता था बिकॉज बैच में लोग भी थोड़े कम थे, तो बातचीत यूजुअली कोचिंग्स में लड़के लड़कियों में इतनी फ्रीली होती नहीं है, बट मुझे, मैं बैच में अकेली लड़की थी तो मुझे काफ़ी इनिशिएटिव लेना पड़ा, फिर नॉर्मल हो गया था सब चीज़ काफ़ी जल्दी। आपके टीचर्स से भी हमने बात की, तो टीचर्स आपके एक बात कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं वो उनका जब अच्छा स्कोर आ जाता है तो वो चले जाते हैं, इंडिया में नहीं रहते, क्या है आगे का प्लान, क्या इंडिया में रहना है या फिर इंडिया से बाहर जाना? अभी तो ये प्लान फिक्स नहीं है, इंडिया में रहना है, इंडिया से बाहर जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, अब करियर जहाँ ले जाए वहीं रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही रहें, बिकॉज जिस फील्ड में जाना है कंप्यूटर साइंस, इंडिया में है काफ़ी अच्छी कंपनीज, कंट्रीब्यूट करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा, अगर सबको ही इंडिया से बाहर ही चले जाएंगे तो फिर यहाँ के कंपनीज का प्रोग्रेस ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं चाहती हैं आपकी इंडिया में रह के इंडिया के, हाँ इंडिया के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे।
तो ये हमारे साथ आकृति थी, इन्होंने आईआईटी जेई एडवांस में गुवाहाटी जोन में लड़कियों में टॉप किया है और लाइव सिटीज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। फिलहाल ये जो है आकृति, इसने एग्जाम्पल सेट किया है बिहार की लड़कियों को भी, अब सपने देखने की आज़ादी है, सोच सकती हैं वो, आगे बढ़ सकती हैं, और अगर कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपना आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है और जो जो चाहें वो हासिल कर सकती है। फिलहाल अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।